आज 9 अक्टूबर है, तासीराम साहब का 18वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है बस्ती के प्रेस क्लब में। इसका आयोजन आजाद समाज पार्टी तासीराम के तरफ से किया जा रहा है। जिला आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जो है मौजूद हैं यहाँ पे, और इनके कई पदाधिकारी गण भी मौजूद हैं जो तासीराम साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं परिनिर्वाण दिवस में। बस्ती से दूर दूर से चलकर दलित कम्युनिटी के लोग भी आए हैं। आइए हम मिलकर इनसे जानते हैं कि तासीराम साहब के किन संदेशों पर ये चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं और 18वीं पुण्यतिथि जो है आज किस तरीके से मना रहे हैं। आज तासीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर प्रेस क्लब बस्ती में कार्यक्रम रखा गया आजाद समाज पार्टी की तरफ से। हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के, जिला अध्यक्ष महोदय ये बताएं नासिर भाई कि आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं बाबा तासीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पे, तो इस कार्यक्रम में आप केवल आपका संगठन ही शामिल है कि और लोग भी शामिल हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी कि आप लगातार बहुजन समाज की आवाज जिले में उठाने का काम करते हैं, आप बधाई के पात्र हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त बहुजन समाज के लोगों को जो इस कार्यक्रम में आए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये आज बहुजन मसीह मानव तासीराम साहब की पुण्यतिथि जो मनाई जा रही है प्रेस क्लब बस्ती में, ये बहुजन संगठन के तमाम लोग भी, माननीय आजाद समाज पार्टी के अलावा भी हमने कई लोगों को बुलाया था और आए भी हैं कुछ साथी जो पार्टी से भिन्न भी हैं, उनका सबका सहयोग है ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इस परिनिर्वाण दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये मनोहर तासीराम साहब खुद अपने आप में एक संदेश थे बहुजन समाज के लिए। हम लोग उनके बताए रास्ते पे अगर 1-2% भी चल लें तो आने वाला समय हम बहुजनों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। यही सबसे बड़ा संदेश मनोहर साहब खुद संदेश है बहुजन समाज के। का संदेश है मनोहर साहब, आप उनकी जीवनी देख लीजिए, उनके जीवन काल की दिनचर्या देख लीजिए, उनके संघर्षों को देख लीजिए, किन परेशानियों से समाज को जगाए और समाज को उठा करके कहां तक पहुंचाए। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि तासीराम साहब के उन संघर्षों को आप थोड़ा सा विस्तार से कुछ बताएं। जैसे मान लीजिए माननीय तासीराम साहब एक सरकारी नौकरी पे थे, वो बाबा साहब के जीवनी से आकर्षित हुए, अपनी नौकरी को ठोकर उन्होंने मारा और उस दौर में जब हम लोग इस धरती पे नहीं आए थे तब उनकी अच्छी खासी वेतन थी, लेकिन नहीं, उन्होंने त्याग किया, उस त्याग से निकले और बहुजन समाज को जगाने का काम किया आपने। और एक दिन ऐसा आया कि जिस समाज की बहन बेटियों को लोग पैर की जूती समझते थे, समाज की बहन बेटी को भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से कुछ कुर्सी पे बैठाने का काम किया, तो ये एक त्याग ही था उनका। तासीराम साहब का राजनीति के प्रति जो है झुकाव था, वो चाहते थे कि जो दबे कुचले लोग हैं इन लोगों को भी राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, आपके इस पे क्या विचार है? जी बिल्कुल, मनोहर साहब का सपना था कि 85% जो अपने बहुजन समाज के लोग हैं वो हमेशा अपने जीवन काल में लेकर के चले। और याद करिए महोदय कि जब तक उनका नारा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तब तक हमारे लोगों के अंदर एक ऊर्जा थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि 2006 में माननीय तासीराम साहब मृत तो सत्य है, हर कोई आया तो एक दिन जाएगा, चले गए, और तब से बहुजन मोमेंट लगातार ग्राफ गिर रहा था। बीच में का जो अरसा आया 6 से लेकर 15 के बीच में, तो 2015 में चंद्रशेखर आजाद जी भीम आर्मी की स्थापना की और उसी भीम आर्मी की स्थापना के माध्यम से बहुजन समाज को जगाए और 2020 में आकर के आजाद समाज पार्टी तासीराम मनोहर साहब को एक आदर्श के रूप में मानते हुए, क्योंकि हमारे अगुआ जो सांसद जी हैं चंद्रशेखर आजाद जी, वो मनोहर साहब को अपना आदर्श मानते हैं, उन्हीं के बताए रास्ते पे चल करके आजाद समाज पार्टी तासीराम की स्थापना किए और उसी पश्चिम में पे चलने का काम हम बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं। साहब का मनाया जा रहा है, आप वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके मुंह से सुन भी अच्छा लगा, आपने कहा जिला पंचायत सदस्य है, बेशक मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। वर्तमान में मैं युवाओं को संदेश ये देना चाहता हूँ कि देखिए बगैर संघर्ष के कुछ नहीं होता, जब संघर्ष करेंगे आप जब जाके आपको आगे बेहतरीन फसल काटने को मिलेगा। संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष इसी दिशा में करना चाहिए कि जो जिस समाज में जन्मा है, पहले तो अपने महापुरुषों के बारे में पढ़े,
और महापुरुष के संघर्षों को पढ़े और पढ़ने के बाद उनकी विचारधारा को समाज के अंदर, अपने लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर उस विचारधारा को परोसे। उस विचारधारा से मेरा ख्याल है कि लोगों को प्रभावित होकर उस विचारधारा को लेकर, उस नाव को लेकर चलना चाहिए। जी, काशीराम साहब ने क्या संदेश दिया है, उससे आज लोग कितने प्रभावित? काशीराम साहब जो आपने किया है वाकई में वो संदेश यही दिया है कि मित्र, जैसे हमारे एक मित्र प्रेस क्लब में अभी आपने बोला कि मानवर कांशीराम साहब जब कोई कार्यक्रम करते थे, समाज को जागरूक करते थे, तालीम याफ्ता करने के लिए समाज को, जब मानवर कांशीराम साहब कहीं जाते थे तो वो खुद चटाई बिछाते थे और खुद दरी बिछाते थे आवाम के लिए, जनता के लिए, नौजवानों के लिए, और बिछाने के बाद जब आपसे आता था या सचो पूछना चाहता था कि आप कौन है और जो मुख्य अतिथि वो कहाँ है, तो वो कहते थे कि मुख्य अतिथि थोड़े टाइम के बाद आएंगे। यानी कि वो उनको जो है, जब तक वो दरी चटाई बिछाए आवाम के लिए, जनता के लिए, नौजवानों के लिए, जब तक उनको डिस्टर्ब न किया जाए और जनता के लिए, आवाम के लिए चटाई बिछा कर साहब काशीराम साहब जो मैप पे जाते थे, तो बताइए उनका ये संघर्ष नहीं है, वो संघर्ष याद करने योग्य नहीं है कि आप चटाई बिछाते थे उसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में आप माइक पे जाते थे। ये संदेश दिया है नौजवानों को कि आप निकलो क्षेत्र में, अपने बहन बेटियों भाइयों के लिए, अपने युवाओं के लिए, दोस्तों के लिए, आप खुद चटाई बिछाओ फिर माइक पे जाओ। दलित राजनीति में दलितों की भागीदारी, भारत की राजनीति में कहना चाहूंगा दलितों की राजधानी अभी नगर के बराबर है, और ये वास्तव में एक चिंता का विषय है। काशीराम साहब ने इस पर बहुत ही फोकस किया, इस पर बहुत काम किया काशीराम साहब ने, तब जाकर कहीं दलित चेतना अब राजनीतिक पटल पे प्रदर्शित हो रही है। बहुत बहुत